एक बार फिर आमिर खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। आमिर खान के एक विज्ञापन से बीजेपी को क्यों लगी मिर्च? हिंदुवादी संगठन ने आमिर खान को क्यों दी धमकी? आमिर खान नाम बताने के लिए काफी है कि आखिर हिंदुवादी संगठन और ऐसे संगठन को पालने वाले आकाओं को क्यों दिक्कत होती है? क्यों बार बार कभी आमिर खान कभी शाहरुख खान के जरिए मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है? क्योंकि जब वही चीज है जब बॉलीवुड में बैठे हिंदू अभिनेता करते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। बशर्त इस बात की है कि मुल्क के साहिब से वो अभिनेता इंटरव्यू के दौरान आम कैसे खाते हैं ये पूछे, फिर उसकी हजारों गलती माफ, वो शुद्ध रूप से संस्कारवान हो जाता है, राष्ट्रवादी हो जाता है। अभी हाल ही में आमिर खान का एक विज्ञापन सामने आया था जिसके बाद हिंदुवादी संगठन के लोग धमकी देने पर उतर आए, बीजेपी के नेता चेतावनी देने लगे। मतलब कुल मिलाकर विवाद खड़ा कर दिया गया। सारा खेल नाम का है, नाम में छिपे इस्लाम का है, इस्लाम मानने वाले मुसलमान का है, जिससे कितनी मोहब्बत करती है बीजेपी ये किसी से छिपा नहीं है। दरअसल ये विज्ञापन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का है जिसमें आमिर खान के साथ साथ कियारा आडवाणी भी नजर आ रही। इसमें दुल्हन की विदाई की जगह दूल्हे बने आमिर की विदाई होती है, वो गृह प्रवेश करते हैं। बस यहीं से लगती है मिर्च कि आखिर आमिर खान कैसे हिंदू परंपराओं का विरोध कर सकते हैं। आमिर खान के इस विज्ञापन को लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने धमकी दे डाली। संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मैं आमिर खान से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू धर्म के प्रथाओं को बदलवाने का ठेका आपने ले रखा है, हमारे देवी देवताओं को अपमान करना, हिंदू धर्म को आघात पहुंचाना, यही आपका उद्देश्य है? बात सिर्फ संगठन भर की नहीं है बल्कि बीजेपी के पेट में भी मरोड़ उठने लगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान को चेतावनी दे डाली। बीजेपी के इन विद्वान नेताओं को जरा इस विज्ञापन को एक बार फिर से देखना चाहिए। इस विज्ञापन में अकेले आमिर खान नहीं है बल्कि कियारा आडवाणी भी है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, शायद इसलिए उनका विरोध नहीं किया गया। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जमाई राजा, उसका विरोध करते हुए आपने नहीं देखा होगा। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड में ईश्वर का मजाक उड़ाया गया था लेकिन किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठती थी। लक्ष्मी फिल्म में अक्षय कुमार मुसलमान बने थे और वो हिंदू लड़की का रोल अदा करने वाली कियारा आडवाणी की फिल्म में पति बने थे, लेकिन वहां लव जिहाद का मुद्दा उठाकर छाती नहीं पीटी गई थी। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब रखा है। इसलिए जैसे ही आमिर या फिर शाहरुख कोई विज्ञापन करते हैं, फिल्म करते हैं, उसे संस्कृति के खिलाफ बताते हुए ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा करीना कपूर के विज्ञापन को लेकर भी बवाल हो गया था। मालाबार के विज्ञापन में करीना कपूर ने बिंदी नहीं लगाई थी जिसके बाद ऐसे ही संगठन सक्रिय हो गए थे और धमकी देने लगे थे, और तो और सोशल मीडिया पर बदसलूकी की जा रही थी। वजह सिर्फ इतनी भर क्योंकि करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की है, उसके बाद से ही वो ऐसे लोगों के निशाने पर आ गए। जो ये बताने के लिए काफी है कि इनको भारतीय संस्कृति हिंदू रीति रिवाजों की चिंता नहीं है बल्कि दिक्कत है अपनी अपनी दुकानों को चलाने की, जो बिना मुसलमानों पर निशाना साधे नहीं चल सकते। इस ताजा विवाद पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।